आज हम आपको एक ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी भगवान सिंह परमार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो करीब 5 वर्षों से गोमती आश्रम में रामचरितमानस का नित्य पाठ करते आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 66 वर्ष की उम्र होने के बाद भी वह एक ही आसन में एक ही मुद्रा पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवान सिंह जी, बताइए आप, ये जो रामायण का पाठ करते आ रहे हैं प्रतिदिन, ये कब से करते आ रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से पाठ कर रहा हूँ मैं। मतलब जैसे ही मैं रिटायर हुआ नौकरी से, उसके बाद में लगातार चल रहा है 7 साल से। एक साल मैंने पुष्कर में दिव्य मुरारी बापू के आश्रम पे महामंडलेश्वर उनके यहाँ किया था, और 7 साल से यहाँ लगातार चल रहा है, ऐसे 8 साल होंगे। किस सरकारी सेवा में थे आप पहले? मैं पाठ पुस्तक मंडल में मैनेजर था। तो आप मतलब आपने स्टार्ट कब से किया है? मैंने लगातार तो ये 8 साल से हो रहा है, बाकी तो 30 साल से कर रहा हूँ। वैसे नवरात्रा में वगैरह में करते हैं यहाँ पर, बाकी लगातार जो कर रहे हैं पाठ, मतलब रोजाना का, वो तो 8 साल हो। कितने बजे से प्रतिदिन आप स्टार्ट करते हैं? मंगला आरती के बाद से शुरू हो जाती है, 11 बजे तक हो जाता है, 5 सवा 5 घंटे। इस गोमती धाम में रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हुए आपको कितने दिन हो गए? मेरे को 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष, 7 वर्ष में आपने मतलब एक भी दिन पाठ को मतलब छोड़ा नहीं है? 5 साल से कोई गैप नहीं हुआ है, 5 साल से प्रतिदिन पढ़ते आ रहे हो आप। कितनी देर में पढ़ते हो आप इसको? 5.25 घंटे में। 5.25 घंटे में इसको, मतलब आपको मतलब ऐसी शक्ति कहाँ से प्रदान होती है? महाराज जी की प्रेरणा से हुई है। सीताराम जी, बताइए इस, ये जो गोमती धाम आश्रम में भगवान सिंह परमार जी हैं, ये जो रामायण का अखंड पाठ करते आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। भगवान सिंह जी परमार एक संत आदमी है, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, और करौली में इनका पोस्टिंग हुआ था, पाठ्य पुस्तक मंडल के मैनेजर रहे हैं, तभी से इनका रामायण में रुचि बढ़ी। और शुरू में तो ये 6-6, 7-7 घंटे अलग अलग स्थानों पर नवरात्राओं में पाठ करते थे। उसके बाद एक बार हमारे गुरुदेव श्री गोमतीदास जी ने 131 रामायण का आयोजन किया था, उसमें इन्होंने महती भूमिका निभाई थी। फिर इनकी एक बार ये इच्छा जागृत हुई थी कि मैं अकेला इस पाठ को करूँ, तो हमने काफ़ी प्रेशर किया कि आपको कोई दिक्कत आ सकती है बैठक में, तो ये नहीं माने, और 9 घंटे में एक पाठ उन्होंने पूरा किया था। मतलब कि इन्होंने पूरी रामायण 9 घंटे में पढ़ डाली? पूरी रामायण, अखंड रामायण जिस 24 घंटे में होती है, वो 9 घंटे में पूरी कर दी। उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद फिर उसको ट्राई किया, और ये 8-8 घंटे में की, और फिर ये विगत 6 वर्ष से लगातार 5.5-5 घंटे में पूरी रामायण करते हैं। सुबह 5:30-5 बजे बैठते हैं, और 11-11:30 बजे पूरी रामायण कर देते हैं, एक ही बैठक है इनकी पूरी। बड़ा सात्विक जीवन है। 11 बजे बाद भी ये टीवी पर धार्मिक प्रवचन या तो भागवत के रामायण के ही सुनते हैं, और सारी चौपाइयाँ इनको एक तरह से कंठस्थ सी हैं, और सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक ये मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करती हैं।